हेलो फ्रेंड, एटजी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2, यानी ये पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं और अपना रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, 10 रुपया में 12 कलम खरीद कर और 12 रुपया में 10 कलम बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है, एग्जाम में कम समय में कैसे बना सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन में कि 10 रुपया में जो है 12 कलम खरीदा गया है और 12 रुपया में 10 कलम बेचा गया है। तो आप ऑब्वियसली इस तरह देखेंगे तो इसमें लाभ ही हुआ है, लेकिन आपको लाभ और हानि के बारे में सोचना नहीं दोस्तों। मैंने पहले ही टाइप 1 में बताया था कि लाभ और हानि के बारे में सोचना नहीं है, केवल आप एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे बाद में पता चल जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने दोस्तों ट्रिक को लिख लिया। तो ट्रिक को कुछ समझेंगे इस प्रकार है दोस्तों। तो ट्रिक इस तरह लिखना है कि क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु और बटे में विक्रय वस्तु लिखना दोस्तों, और सभी में स्क्वायर देना है। इससे पहले मैंने जो बताया था टाइप 1 में, उसमें स्क्वायर नहीं था दोस्तों। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको पहले जाकर देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद ही इसे समझने का प्रयास कीजिए तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु लिखना है, फिर बटे में भी विक्रय वस्तु और गुना जो है 100 से करना है ताकि हम लोग को परसेंटेज निकल जाए। तो आप देखेंगे इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए हम लोग इस पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे कि 10 रुपया में 12 कलम, तो हम लोग को वस्तु लिखना दोस्तों कि 12 कलम खरीदा गया है, तो 12 क्या है, क्रय वस्तु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर देंगे। फिर माइनस दोस्तों लिखा है विक्रय वस्तु, आप देख रहे होंगे यहाँ विक्रय वस्तु का स्क्वायर है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन, 12 रुपया में 10 कलम बेचा गया, तो विक्रय वस्तु क्या है, वस्तु को केवल लिखना, रुपये को नहीं देखना इसमें, 10। तो यहाँ 10 का स्क्वायर दे देंगे। फिर नीचे दोस्तों क्या लिखना है, विक्रय वस्तु का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो आप 10 का स्क्वायर लिख देंगे और गुणित क्या कर देंगे, गुणित यानी 100 से गुना कर देंगे आप। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वो क्या होगा, लाभ हुआ कि हानि हो लो देखेंगे। तो देखते हैं इसको और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 12 का जो स्क्वायर होता है 144 माइनस 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है, फिर नीचे भी 100 हो जाएगा दोस्तों, और फिर गुना में यहाँ 100 है, आप देख रहे होंगे इस प्रकार से आप बनाने से। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 100 और 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, आप देखेंगे ऊपर में जो है आप देखेंगे कि बच रहा है, यानी 144 में से 100 जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये बचेगा 44। तो ये जो 44 बचा दोस्तों, ये 44% हो गया। अब ये 44% जो है लाभ है कि हानि है ये सोचना है। तो दोस्तों मैंने पहले टाइप में बताया था, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, अगर वैल्यू दोस्तों पॉजिटिव में आ रहा है तो वो लाभ समझना है। तो ये जो दोस्तों इसमें 44% का लाभ हुआ है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, इसमें क्या करना है कि ये ट्रिक जो है क्रय वस्तु फिर माइनस जो है विक्रय वस्तु लिखना है, फिर बटे में विक्रय वस्तु लिखना, सभी में स्क्वायर देना दोस्तों, फिर गुणित निशानी 100 से गुना कर देना है। और उस ट्रिक पर बैठाएंगे यहाँ क्रय वस्तु जो दोस्तों वो 12 है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए लिखा है क्रय वस्तु 12, तो मैंने 12 बैठा दिया इसमें। और उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वो किस कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। और जो नीचे बचेगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा दोस्तों तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लाभ समझेंगे, अगर निगेटिव में आएगा तो हम लोग उसको हानि समझेंगे। तो चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 रुपये में 20 बल्ब खरीद कर 20 रुपये में 25 बल्ब बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको भी ट्रिक लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ट्रिक में फिर से दोस्तों एक बार बता दूं, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु, अगपट्टी में विक्रय वस्तु लिखना है, सभी में स्क्वायर देना है। चलिए तो इस पर मान रख कर देखते हैं। तो क्रय वस्तु दोस्तों आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 25 रुपये में 20 बल्ब खरीद कर, यानी 20 बल्ब को खरीदा गया, यानी क्रय वस्तु जो है, वस्तु जो है वो 20 है, तो हमने 20 लिख लिया। फिर ऊपर में स्क्वायर दे देंगे माइनस का चिन्ह। फिर विक्रय वस्तु देखिए 20 रुपये में जो है 25 बल्ब जो है बेचा गया, तो विक्रय वस्तु है 25 यानी 25 है, तो हम लोग इसका स्क्वायर दे देंगे। अब बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों कि बटे में जो है, बटे में लिखेंगे विक्रय वस्तु जो कि 25 का स्क्वायर है, गुना में है 100। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। सबसे 20 57 होता है 400, मैंने लिख लिया। फिर माइनस लिखेंगे 25 का जो है स्क्वायर दोस्तों वो होता है 6 यानी 625 होता है। फिर नीचे लिखेंगे 625 फिर गुना में 100। इस तरह करके दोस्तों आप देखेंगे, इसको और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर में माइनस बचेगा 225 और नीचे हो जाएगा 625 गुना में 100। अब इसको जब कटाएंगे दोस्तों तो वो क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। अब 25 से इसको जब कटाएंगे तो 9 टाइम में ये कट जाएगा। अब 25 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कटेगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों 25 से एक बार में और ये 25 से 4 बार में कट रहा है। और इस तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 9 माइनस के 9 है 4, तो माइनस 36% आएगा, यानी इतना परसेंट आएगा दोस्तों। तो ये जो है इतना परसेंटेज क्या है, इतना परसेंट क्या है, माइनस में जब आ जाए दोस्तों, तो मैंने बताया था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए तो लाभ समझेंगे, अगर माइनस में आ जाए तो हानि होगा दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे हम लोग एग्जाम में जो है इजी वे में इसको बना सकते हैं। सबसे पहले जो है क्रय वस्तु, फिर माइनस विक्रय वस्तु लिखेंगे और नीचे जो है विक्रय वस्तु का ही लिखेंगे दोस्तों, और उस सबका स्क्वायर करके गुना 100 से करेंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वो जो है माइनस 36% रह जाएगा और ये दोस्तों हानि होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।